वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, वो मैकेनिक नहीं होता है। जिसका वो अंदर का ट्रैक, उसका सप्लाई, ट्रेसिंग, उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए। वो जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। तो अब मुझे ये बताओ कि तुम सेटिस्फाई हो यहाँ से? तुम बहुत सेटिस्फाई। मैं हूँ मिलन, एशिया टेलीकॉम की तरफ से। आज मेरे पास एक जियो ने P2 का हैंडसेट है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर करने के वक्त ग्रेड हो गया था, तो मैं DC में लगा के दिखा रहा हूँ कितना रीडिंग ले रहा है। मेरा एक पोर्ट टूट गया दोस्तों, ये देखिए 8, 9, 10, ये देखिए दोस्तों ऑन नहीं हो रहा है, छोड़ दे रहा है वापस। मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको, आठ नौ दस फिर छोड़ रहा है। तो इसको इससे पोर्ट भी कोई नहीं, कुछ नहीं बना रहा है। ये मेरा डाटा का भी लगा है PC में, और ये मेरा डिवाइस मैनेजर रहा, ठीक है। तो मैं जब भी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तो कुछ पोर्ट नहीं बना रहा है। मैं बैटरी लगा के दिखाता हूँ, तो कुछ भी पोर्ट नहीं बना रहा है ये। तो इसको खोल के हम इसको खोल के EMC रिपेयर करेंगे, तो कैसे करते हैं चले देखते हैं। दोस्तों इसका मैं कैन खोल लिया हूँ अभी, तो फिर थोड़ा CPU को गार्ड करेंगे और EMC खोलेंगे। दोस्तों ये देखिए पूरा EMC निकला है, कोई पिन डैमेज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ा कूल होने देंगे और UEFI बॉक्स के माध्यम से हम करेंगे ये, ठीक है। तो इसको पहले रिवॉल्व कर लेंगे, यहाँ थोड़ा दिखाएंगे। मैंने इसको दोस्तों इस स्टेंसिल में कनेक्ट कर लिया, अभी इसको रिवॉल्व करूँगा मैं।
यहाँ थोड़ा दिखाए, पास से करीब से दिखाए। दोस्तों इसका बॉल बनना चालू हो गया अभी, ये हमारा बॉलिंग कंप्लीट हो गया है, रिबॉलिंग। अभी खोलते हैं दोस्तों, अभी इसको हम इसमें लगाएंगे। अभी हम UEFI टूल बॉक्स ओपन करते हैं। अब आइडेंटिफाई AMC करते हैं, हमारा AMC ठीक से बैठा नहीं। दोस्तों हमने AMC इसके अंदर लगा लिया, अभी यहाँ दिखा रहे, अभी यहाँ आइडेंटिफाई AMC करेंगे। ये हमारा AMC का डिटेल शो हो रहा है दोस्तों, ठीक है। हम इसको अभी फ्लैशिंग करेंगे, तो ये दोस्तों ये 8 GB का AMC है, ठीक है। तो दोस्तों अभी इसको फ्लैशिंग करेंगे हम, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म सीकर सिलेक्ट करते हैं MediaTek, और यहाँ से स्केटर फाइल के लिंक देंगे। अब इसको राइट कर देंगे दोस्तों, ये देखिए राइटिंग हो रहा है, ठीक है, देखिए राइटिंग हो रही है। सिस्टम फाइल अभी राइट हो रहा है। दोस्तों इस तरह का कोई AMC प्रोग्रामिंग करना हो, आपको नहीं आता है, आपको AMC निकल नहीं आता है, AMC प्रोग्रामिंग करना नहीं आता है, UEFI GTEC के साथ प्रोग्रामिंग करना नहीं आता है, तो हमारा इंस्टीट्यूट आके आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आप कॉल कर सकते हैं 1 से 4 बजे के बीच, ठीक है। तो कैसे करना है AMC, कैसे AMC रिमूव करना है, कैसे पार्टीशन बनाना है, कैसे AMC खोल के FRP रिमूव करना है, ISP पिन आउट से कैसे FRP रिमूव करना है, MI अकाउंट कैसे हटाना है, सब बताया जाएगा दोस्तों। AMC कैसे चेंज करना है, अगर AMC ख़राब भी होता हम कैसे चेंज कर सकते थे, ठीक है।
ये दोस्तों देखिए, ये हमारा ईएमसी अभी फ्लैशिंग हो रही है। यहाँ रेड कलर के बटन, रेड लाइट जल रहा है, मतलब फ्लैशिंग हो रही है, ठीक है। तो इस बीच दोस्तों हमने बोर्ड को भी साफ कर लिया थोड़ा, ठीक है। तो अभी सिर्फ ईएमसी हम फ्लैशिंग होने के बाद सिर्फ लगाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लेता है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों हमारा फ्लैशिंग डन हो गया। हम फिर से आइडेंटिफाई ईएमसी करेंगे, तो हमारा यहाँ जियोनी P2 शो हो रहा है, आप देख सकते हैं जियोनी P2, ठीक है। जियोनी P2 वर्सन है ये 4.2.2 जेली बीन वर्सन है। तो देखिए हम अब ईएमसी लगाएंगे, इससे यहाँ उतरेंगे यहाँ से। हम अभी ईएमसी लगाएंगे दोस्तों, तो हमारा ईएमसी लग चुका है। अभी थोड़ा ठंडा होने देंगे, तो मैं थोड़ा जल्दी ठंडा होने के लिए थोड़ा थिनर दे देता हूँ। हमारा रीडिंग आ रहा है अभी, ये देखिए दोस्तों हमारा सेट बिल्कुल ऑन हो चुका है, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हैं कैसे ऑन हो गया मोबाइल, हमने कैसे ईएमसी खोला, रिपेयर किया ईएफआई बॉक्स के साथ, ठीक है। तो इस तरह का कोई जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप आ सकते हैं। और आपको ईएमसी खोलना नहीं आता है, रिबॉलिंग करना नहीं आता है, बैठाना नहीं आता है, इसी तरीके से अगर प्रोग्रामिंग करना भी नहीं आता है तो हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए। हमारा सीट लिमिटेड है, आप आइए। हर एक स्टूडेंट को एक एक माइक्रोस्कोप दिया जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए पेड़ा हमारा पूरी तरीके से ऑन हो गया, ठीक है। अभी इसके बाद हम इसको आई में राइट करेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, नमस्कार। तो आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम आपका चैनल। दोस्तों हमने ईएमसी का नया क्लास चालू किया है, आप इसमें आ सकते हैं, आप इस नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों ईएमसी के हमारे नए क्लास में केवल 5 स्टूडेंट को रखा जाएगा, और अगर आपको आईसी निकालना नहीं आती, अगर आपको आईसी रिबॉल करना नहीं आती, अगर आपको पेस्टेड आईसी निकालना नहीं आती, अगर आपको सीपीयू बदलने नहीं आते, ड्यूअल सीपीयू अगर आपको निकालना नहीं आता, आपके पास डैड फ़ोन आते हैं और डैड फ़ोन आप बना नहीं पाते क्योंकि आईसीओ का काम आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको डैड बोर्ड रिपेयर करना नहीं आ रहा है, अगर आपने आपके पास कोई फ़ोन आया है जो फ्लैश नहीं हो पा रहा है, जो लोगो पे अटका हुआ है, या सैमसंग का कोई फ़ोन आया हुआ है जो आपको बता तो रहा है कि वो डैड हो चुका है बट वो डाउनलोड मोड पे नहीं आता है, या कोई भी रीज़न है, आप यहाँ आइए, हम आपको सिखाएंगे बेहतर तरीके से उसकी हम ईएमसी आईसी कैसे चेंज करके आप दूसरी कौन सी ईएमसी आईसी लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको ईएमसी आईसी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम ये आपको बताएंगे किसी भी सेट से आप ईएमसी आईसी निकाल कर आप अगर कंपनी भी चेंज करना चाहें ईएमसी आईसी के नंबर के हिसाब से, तो आप कैसे उसको चेंज करें और उस अपने काम को आप सक्सेसफुली आप पूरा करें। तो दोस्तों ईएमसी अपग्रेड की बात करूँ या फिर ईएमसी
यहाँ पर डैडबोर्ड रिपेयर की बात करूँ तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। कोर्स की फ़ीस हमारी काफ़ी कम है। अगर आपको कोर्स की फ़ीस जाननी है तो आप हमें, अगर आपको कोर्स की फ़ीस जानना है तो नीचे दिए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर कॉल नहीं उठा रहा है तो आप SMS कर सकते हैं, लिखिए EMC डिटेल करके बस SMS डाल दीजिए तो आपको कॉल हमारी तरफ से चला जाएगा। हमारा पहला बैच 20 फरवरी को लग रहा है 5 स्टूडेंट के साथ में, और उसके बाद जो दूसरा बैच है वो हमारा लगेगा 10 मार्च को। तो दोस्तों आप यहाँ आ सकते हैं, यहाँ पर हॉस्टल की सुविधा आपको दी जाएगी, यहाँ पर आपको रहने की सुविधा दी जाएगी। 10 दिन का कोर्स होगा और 11 बजे से तकरीबन 7-8 बजे तक की क्लास होगी, और डेली यहाँ पर सब प्रैक्टिकल है, कुछ भी आपको कॉपी किताब पेन कुछ नहीं लाना है। तो ये सारी चीज़ें के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, आपको कॉम्पोनेंट का नॉलेज, आपको ट्रेसिंग का नॉलेज होना चाहिए। और दोस्तों अगर आपको कॉम्पोनेंट ट्रेसिंग या इसका नॉलेज नहीं है तो आप हमारा 1 महीने वाला कोर्स अटेंड कीजिए, जहाँ पर मैं आपको टोटल कॉम्पोनेंट की नॉलेज बेसिक से लेकर एडवांस आईफोन लेवल तक मैं आपको ट्रेसिंग सिखाऊंगा, जिसमें बिना सर्किट डायग्राम के कैसे उसको ट्रेस किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें आप सीखेंगे यहाँ पर, जो हमारा हर महीने का 28 तारीख का बैच लगता है, उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं, अगर आपको सॉफ्टवेयर में फ्लैशिंग नहीं आती है, अगर आपको CPU पहचानने नहीं आते हैं, अगर आपको टूल्स नहीं पता, अगर आपको ड्राइवर डालते नहीं आते हैं, तो आप हमारी सॉफ्टवेयर की क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। पर अगर आप 1 महीने की क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उसमें इंक्लूड रहता है, पर अलग से सॉफ्टवेयर करना चाहते हैं तो उसकी हमारी हर महीने की 13 तारीख की क्लास होती है, आप उस सॉफ्टवेयर की क्लास में आ सकते हैं। वो 12-13 दिन की हमारी सॉफ्टवेयर की क्लास होती है, जो डेली से 5-6 घंटे की क्लास होती है, जिसमें हम आपको सारे मोबाइलों की फ्लैशिंग प्रैक्टिकल बताएंगे, विद आपके साथ ही खुद के आपके खुद के साथ ही करवाएंगे, और जिसमें सारे मोबाइल फ़ोन के साथ में कौन सी फाइल यूज़ की जाती है, कौन कौन से मोबाइल में मोड यूज़ किए जाते हैं, और किस मोड पे क्या काम होता है, और कैसे ड्राइवर डाले जाते हैं, ड्राइवर कौन से आपको लेने चाहिए किसी मोबाइल फ़ोन में फ्लैशिंग के बाद, FRP के बाद, या आप उसका बेसबैंड रिपेयर कर रहे हैं या उसका नेटवर्क रिपेयर कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। अगर फ्लैशिंग के बाद में जो एरर्स आते हैं उस पर आप कैसे उसको हटा सकते हैं, तो अगर आपको फ्लैशिंग का कोर्स करना है तो आप हर महीने का हमारा 13 तारीख बैच लगता है, आप उसके लिए भी हमें कॉल कर सकते हैं। यहां आइए, बेहतर तरीके से सीखिए और एक अच्छा टेक्नीशियन बनिए। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, आप प्रोफेशनल कोर्स अटेंड कर रहे हैं, कोई स्कूल या कॉलेज नहीं कि पूरे साल भर से पढ़ते रहिए, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी जो बुक है, सेकेंड जो मेरी बुक है, एसर टेलीकॉम की मोबाइल सॉफ्टवेयर बुक, ये लॉन्च हो चुकी है। पहले आपने देखा होगा इसका लॉन्चिंग का वीडियो मैंने डाला था, जो कि एक प्रीमियर जैसा था, कि मैंने इसको बोला था कि ये 2-3 दिन हफ्ते में आ जाएगी। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो ये बुक को चाहते हैं और ये बुक को परचेस करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस बुक को परचेस करना है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक को जाके बाय कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप सिर्फ गूगल पे डालिए देवतन अग्रवाल, तो आपको मेरी बुक की लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों आप सिर्फ मेरा नाम जाके गूगल पे लिखिए तो आपको मेरी बुक का लिंक मिल जाएगा। बाकी अगर आपको एक बुक का लिंक लेना है तो आप इस वीडियो के नीचे इस डिस्क्रिप्शन में जाके इस बुक का लिंक ले सकते हैं। आप इसको अमेजोन से परचेस कर सकते हैं, आप इसको फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट है आप इसको परचेस कर सकते हैं। डायरेक्ट वेबसाइट मैंने आपको नीचे लिंक में दे दी है। दोस्तों इसको परचेस कीजिए, अपने सॉफ्टवेयर का ज्ञान बढ़ाइए, इसमें बहुत कुछ मिल जाएगा जो कि शायद ही आपको किसी इंस्टीट्यूट में भी सीखने को ना मिला हो। इसी तरह वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। एडवांस मोबाइल चिप लेवल रिपेअरिंग सीखिए, 10 तारखेला लॉन्च झालेला आहे। हे तुम्हाला घ्यायचं असेल तर हे तुम्हाला ऑनलाइन भेटेल। या व्हिडिओच्या खाली तुम्हाला एक लिंक दिलेली आहे, त्या लिंकला क्लिक करा आणि तुम्हाला हे तुम्ही परचेस करता येईल। आता या बुक मध्ये तुम्हाला जे आहे ते पूर्ण डिटेल, जे तुम्ही काम करताय किंवा नाही करताय, कंपोनेंट लेवल हरे ऍप्स डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एसर टेलीकॉम सर्च करें, एसर टेलीकॉम लिखें, और एसर टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग एप्स, जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफी एप्स हैं, जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफी एप्स आपको मिल जाएंगे। इन एप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। An ISO 9001 and 2008 certified institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.